हेलो नमस्कार, मैं संतोषी और ये आरुषि। हम सब आपको स्वागत करते हैं हमारे मदर डॉटर ब्लॉग्स में। हाय चलन सिंह, माता डॉक्टर क्या बोल रही है? ओके तो मैं हाँ, कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आरुषि भी बिल्कुल ठीक है। आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम डूइंग गुड, आई एम गुड। आज मैं ये ब्लॉग जो है इवनिंग में स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहा है 5 o'clock, 5 बज गया है ऑलरेडी। तो मैं इसलिए ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मैं आरुषि का फूड बना रही हूँ, जो कि वो ब्रेकफास्ट में खाती है, कभी कभी स्नैक्स में भी खाती है, और वो है सत्तू पाउडर। सत्तू पाउडर तो आप लोग जानते होंगे, बहुत ही हेल्दी है। कैसे मुँह बना रही है देखो, अच्छा नहीं लगता, फिर भी उसको खिलाना पड़ता है जबरदस्त। हाँ तो वो जो सत्तू पाउडर मैं बनाती हूँ। हेलो, हाय, आर यू आरुषि? मामा को मार रही है। मामा मारे। ओके, जो मैं अभी बनाने वाली हूँ वो सत्तू पाउडर जो है वो 1 साल से ऊपर के बच्चे से लेकर 100 साल उम्र के आदमी हो या औरत हो, कोई भी बुढ़ा हो बुढ़ी हो, जो भी हो, सब खा सकते हैं। सीनियर सिटीजन तक खा सकते हैं, और जो अगर आपको डायबिटीज है तो भी आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हेल्दी है, बहुत ही हेल्दी है। तो हाँ, आज हम बनाएंगे सत्तू पाउडर। क्या बनाएंगे? सत्तू पाउडर। सत्तू पाउडर हाँ। और हाँ, आपका अगर बच्चे छोटे हैं, मतलब छोटे हैं, 1 साल से कम है, तो उसमें तो आप और भी ज़्यादा पल्सेस और मिलेट्स सब डाल के बना सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं बना रही हूँ ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है। अगर आप चाहे तो खिला सकते हो, लेकिन मैं जो बना रही हूँ अभी 1 साल से ऊपर से लेकर सीनियर सिटीजन तक। कैसे हो रही है देखो, उछल रही है। हाँ, आपके लिए ना और एक सरप्राइज है। हम जा रहे हैं ट्रिप पर। हम कहाँ जा रहे हैं आरुषि? आरुषि पांडा। आरुषि पांडा, हम कहाँ जा रहे हैं ट्रिप पर? हाँ, हम तो हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपको एक स्पेशल ब्लॉग देखने को मिलेगा। हम नेक्स्ट ब्लॉग में जा रहे हैं ट्रिप पे, और हम कल पूरा सुबह सुबह 4 बजे, यानी कि आरुषि सो रही होगी, तभी हम ट्रिप पे निकल जाएंगे। और हे 3 डेज का ट्रिप है। तो चलिए, ये फिलहाल ये सब तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। और अगर हमारा ट्रिप ब्लॉग आप देखना चाहते हैं, तो अगर आप नए हैं, नए मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड शेयर कीजिए। अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए हमको। ओके, तो अभी चलिए फिलहाल बिना लेट किए हम लोग बनाते हैं सत्तू पाउडर, जो कि आरुषि को ट्रिप पे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ट्रिप में बच्चे जो होते हैं मील्स नहीं खाते हैं और राइस दाल नहीं मिलता, मतलब उनके पसंद का नहीं मिलता है उनको, इसलिए ये बहुत हेल्दी होता है। और ये अगर आप खिलाएंगे तो उनको राइस खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए चलते बिना लेट किए हम बनाते हैं सत्तू पाउडर। पापा पूड़ी 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 पापा पूड़ी 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 पूड़ी। आज बहुत खुश है क्योंकि आरुषि कल जा रही है ट्रिप। नो, व्हाट हैपेंड? ओ नो, वेयर इज माय टिट्टी? वेयर इज माय टिट्टी गॉन? ओ नो, यहाँ पे लगा, देखो हेयर पे। ओ शिट मैन, टिट्टी आई पंच। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके तो चलिए चलते हैं सत्तू पाउडर बनाने। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद माय वीडियो। बाय 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 बाय, टेक केयर, टेक केयर। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने सत्तू पाउडर के लिए ले लिया है पोहा 1 किलो, और ओट्स लिया है 400 ग्राम, जो कि क्विकर ओट्स का, ये नॉर्मल फ्लेवर का है। और मैं ली हूँ वॉलनट, ले ली हूँ अखरोट 250 ग्राम, और मखाना मैं 250 ग्राम ले रही थी, लेकिन उसका ऑलरेडी आरुषि खा चुकी है, तो ये 200 ग्राम का मखाना है। और ये है फ्राइड ग्राम, फ्राइड ग्राम मैं ली हूँ 250 ग्राम।
आई थिंक इट्स सॉरी इट्स 200 ग्राम। तो अभी 200 ग्राम और मैं यहाँ पे गेहूँ ले ली हूँ। गेहूँ जो ली हूँ वो ये है 200 ग्राम का है, 200 ग्राम का ही है। और ये जो आलमंड ली हूँ, बादाम, बादाम में मैं 250 ग्राम का ली हूँ। तो ये सबको अभी हमें फ्राई करके इसका पाउडर बनाना है। और इसमें मैं क्या करती हूँ, शुगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, तो आप चाहे तो सत्तू पाउडर में जब आप पाउडर बनाएंगे इसका तो आप उसमें शुगर डाल सकते हैं, या फिर आप शुगर बाद में भी डाल सकते हैं। मैं शुगर नहीं डालती क्योंकि कोई मीठा ज़्यादा खाएगा कम खाएगा, जब आप सत्तू पाउडर को खाएंगे तभी आप शुगर डाल के खा सकते हैं। तो मैं शुगर पाउडर इसमें नहीं मिलाती, मैं बस इसमें इलायची मिलाऊंगी, पाँच या छः इलायची ही पाउडर करूंगी जब मैं इसको ग्राइंडिंग करूंगी। तो सबसे पहले हम इन सबको फ्राई करना है, रोस्ट फ्राई करना है। गेहूं को तो ज़्यादा टाइम लगता है, गेहूं का और पोहा का ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। और सब तो ऑलमोस्ट, बादाम का थोड़ा टाइम लगेगा या ओट्स तो जल्दी हो जाएगा, फ्राइड ग्राम ऑलरेडी फ्राइड है उसको बस थोड़ा सा करेंगे तो गर्म हो जाएगा, अखरोट भी जल्दी हो जाएगा, मखाना भी जल्दी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम इसको फ्राई कर देते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे दो कढ़ाई ले ली हूँ ताकि जल्दी हो जाए। तो एक में मैंने पोहा ले लिया है, पोहा बहुत ज़्यादा इसलिए बड़ा कढ़ाई में ली हूँ। और यहाँ पे देखिए छोटा सा फ्राइड ग्राम जो है मैं उसको फ्राई कर रही हूँ। फ्राइड ग्राम जो है वो जल्दी फ्राइड ग्राम जो है वो जल्दी हो जाएगा, मतलब आप 4 से 5 आप पता चल जाएगा, थोड़ा सा कलर चेंज या फिर स्ट्रॉन्ग जैसे हो जाएगा वैसे आपका ये हो गया, क्योंकि ऑलरेडी फ्राइड है, फ्राइड होके मिलता है। तो हमें बस इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना गर्म करके, और पोहा को आपको कंटिन्यूसली फ्राई करते रहना है क्योंकि ये जल भी सकता है। जब देखिए हमारा जो फ्राइड ग्राम है ये हो गया है, ये ऑलमोस्ट हो गया, और पोहा को थोड़ा और टाइम लगेगा, पोहा भी हो जाते लेकिन देखिए पोहा भी थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया है, शायद आपको कैमरे में नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन फ्राइड ग्राम जो है वो हो गया ऑलमोस्ट। तो हम अभी फ्राइड ग्राम को निकाल देंगे, इसमें अखरोट डाल देंगे फ्राई करने के लिए, और पोहा को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए, नहीं तो पोहा भी जल्दी रोस्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो है मैं अभी अखरोट फ्राई करने के लिए डाल दी हूँ, मेरा फ्राइड ग्राम हो गया है अखरोट के टाइम में, अखरोट को भी थोड़ा टाइम लगेगा, 5 से 7 मिनट तक तो लगता है। अब देखिए हमारा पोहा जो है, चूड़ा जो है वो रेडी हो चुका है, देखिए ब्राउन ब्राउन हो चुका है, तो ये भी फ्राई ऑलमोस्ट हो गया। आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत मज़ा आता है, इसमें मिक्सचर डाल के आप खा सकते हैं, बहुत यमी लगता है। ये थोड़ा हो गया है, बहुत क्वांटिटी थोड़ा कम भी हो गया है, अभी फ्राई होने के बाद थोड़ा सिकुड़ जाता है ना, वैसे कम हो जाता है। देखिए फ्राई हो गया है, ऐसे कलर आने पर थोड़ा सा आपको पोहा को भी हम अभी निकाल देंगे एक कंटेनर में। देखिए पोहा के बाद मैंने अभी इसमें ओट्स डाल दिया है, ओट्स को तब तक आप भुनेंगे फ्राई करेंगे जब तक वो ना आप हाथ में मलेंगे तो अगर वो पाउडर हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगी, ओट्स का भी कम टाइम में हो जाएगा फ्राई। अखरोट के बाद हम लोग आलमंड को फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अखरोट भी हो गया हमारा फ्राई, जैसे ऐसे टूटने से टूट जाता है, साउंड भी होता है, तो अखरोट हो गया है फ्राई। अभी हम अखरोट को एक कंटेनर में निकाल देंगे। देखिए मैं अखरोट को निकाल दूँ, अभी मैं बादाम डाल दी हूँ आलमंड, और इसको अभी फ्राई करेंगे। ये थोड़ा टाइम लगता है, आलमंड जो है बहुत टाइम लगता है, बहुत मतलब 10 to 15 मिनट्स के अंदर लगेगा, वो आप चेक करके, जब ये फ्राई होगा ना आलमंड तब इसका जो है छिलका थोड़ा फटने की तरह होगा तब आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे देखिए ओट्स हमारा हो गया है बिल्कुल रेडी, क्योंकि ये बन जा रहा है पाउडर, तो ओट्स हो गया है बिल्कुल रेडी। तो चलिए ओट्स को निकाल देते हैं। फ्रेंड्स देखिए मैं अभी इसमें ओट्स निकाल के मखाना डाल दी हूँ, मखाना आप स्किप भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मखाना जो होता है वो हेल्दी होता है इसलिए मैं डालती हूँ। तो मखाना जो है 3 से 4 मिनट में फ्राई हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाता है। देखिए हमारा मखाना हो गया रेडी, देखिए ब्राउन ब्राउन कलर, हम अब इसको कंटेनर में निकाल देंगे, फिर हम इसमें गेहूं फ्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा फट रहा है, आलमंड भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, इसको और थोड़ा टाइम लगेगा।
देखिए अभी मैं गेहूं डाल दी हूँ, गेहूं को थोड़ा टाइम लगेगा फ्राई होने में। और यहाँ पे देखिए ये आलमोंड भी हो रहा है। ये दोनों फ्राई होने के बाद हम सबको ठंडा कर देंगे। ठंडा करने के बाद फिर ग्राइंडिंग करेंगे। तो देखिए हमारा बादाम भी जो है, आलमोंड भी है, वो भी रेडी हो गया है, फ्राई हो गया ऑलमोस्ट। क्योंकि देखिए सबका छिलका जो है वो फट चुका है। और यहाँ पे गेहूं भी हमारा थोड़ा बहुत फ्राई हो चुका है ऑलरेडी। देखिए गेहूं का जो है कलर पूरा वाइट वाइट होके उभर के आ रहा है। आपको पता चल जाएगा गेहूं फ्राई होने से पहले वो गोल्डन कलर हो जाएगा। तो गेहूं को और 2 मिनट लगेगा, लेकिन हमारा आलमोंड जो है वो हो चुका है। अभी हम इसको कंटेनर में निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा गेहूं भी हो गया रेडी। ये पूरा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन। आपको पता भी चल जाएगा, आपको सारा नहीं दिख रहा होगा। तो हम इसको भी एक कंटेनर में निकाल देंगे, फिर सबको ठंडा करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अभी मैं ये सबको फैन के नीचे रख दी हूँ। पूरा ठंडा होने के बाद हम इसको ग्राइंडिंग करेंगे। मैं गेहूं के साथ आलमोंड को एक साथ में ग्राइंडिंग कर लूँगी, और ओट्स को एक बार ग्राइंडिंग करूँगी, और पोहा को एक बार मैं पाउडर करूँगी। और ये सब को तो नहीं हो सकता, शायद मखाना को ओट्स के साथ डाल दूँगी, ऐसा कुछ करूँगी। ऐसे करके मैं सारा पाउडर करके मिला दूँगी। इसमें मैं 6 से 8 इलायची डालूँगी फ्लेवर के लिए। मैं इलायची डाल दी हूँ सब में, दो तीन ऐसे करके डाली हूँ इलायची। पाउडर बन जाएगा मिक्स होके। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम ये पोहा को या ये सब सारे चीज़ जो भी है सबको पाउडर पाउडर बना के एक कंटेनर में रख लेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखिए मैं पाउडर कर ली हूँ। ऐसे पाउडर करके मैं से छन्नी में एक कंटेनर में सब एक एक पाउडर बना के छान लूँगी। पाउडर को मैं फिल्टर कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स मेरा जो है सारा पाउडर हो चुका है। अभी भी मैं छन्नी में फिल्टर कर रही हूँ, और ये सब निकला हुआ है। लास्ट को इसको भी ग्राइंडिंग करके फिर से फिल्टर करके ऐसे करके सारा मैं पूरा पाउडर कर दूँगी। बच्चे लोग खाएंगे ना तो थोड़ा पूरा पाउडर रहेगा तो अच्छा रहता है। आप चाहे तो आपके हिसाब से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा सत्तू हो गया है रेडी, सत्तू पाउडर। और इसको अभी हम पूरे अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारा पाउडर हो चुका है, और अभी क्या करेंगे, पूरा ठंडा भी तो हो गया है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही हम ग्राइंडिंग करते हैं। तो अभी पूरा अच्छे से मिक्स करके हम इसको एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। ये तो मेरा जो इतना सारा बना है ये तो मेरा 3-4 महीना चला जाएगा, क्योंकि आरुषि ही खाती है और हम कभी कभार खाते हैं, तो ये चला जाएगा 3-4 महीना तक। तो आप ही बनाइए, अगर होगा तो आप कम कम क्वांटिटी में बनाएं। मैं तो बहुत महीने के लिए बना देती हूँ। ओके तो अभी हम इसको एयरटाइट कंटेनर में रख देंगे। तो हो गया सत्तू रेडी, आप भी बनाइए, और टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है इसको। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा सत्तू पाउडर हो गया है रेडी, और इतने बड़े बड़े डब्बे में 2 डब्बा हुआ मेरा, 2 नहीं, एक तो पूरा फुल हुआ और एक हाफ हुआ। तो ऐसे 2 डब्बे में ये मेरा 3-4 महीना तक चल जाएगा। देखिए बहुत बड़ा डब्बे में हो गया है रेडी। आप इसको ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये कोई भी डायबिटिक पेशेंट हो या कोई भी एज के लोग हो खा सकते हैं। मतलब मिनिमम 1 साल से लेके 100 साल तक या फिर 80 साल तक ये खा सकते हैं। कभी भी कहीं पे भी भूख लगा हो खा लीजिए। कोई मस्त आप ठंडे पानी में भी घोल के खा सकते हैं, या फिर मिल्क में, या फिर थोड़ा लिक्विड वाटर में, कहीं से भी किसी में भी मिला के आप इसको खा सकते हैं। बहुत हेल्दी है, वेट गेन करता है बच्चों का तो, और शुगर डाल के अपने हिसाब से खा सकते हैं। तो ये तो हो गया आज का ब्लॉग। फिर नेक्स्ट ब्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को अगर नए देख रहे तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। क्योंकि हम जा रहे हैं ट्रिप पे, 3 दिन की ट्रिप है। तो मैं जो भी हम ट्रिप में कहाँ कहाँ घूमेंगे वो तो सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ नहीं, मैं बोल देती हूँ, हम लोग जा रहे हैं उडुपी मैंगलोर, जो कि बैंगलोर से 400 समथिंग किलोमीटर है। हम 3 दिन का ट्रिप में जा रहे हैं। तो कल हम सुबह 4 बजे निकल जाएंगे, सुबह सुबह 4 बजे। आरुषि उठी भी नहीं होगी, उठेगी वहीं पे रास्ते में। तो हम लोग कल जा रहे हैं,
और बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आगे आएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो कमेंट भी कीजिए चैनल आपको कैसा, ब्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पे आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल, कमेंट टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।